हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 23 मार्च 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है वो है लोकसभा इलेक्शन 2019 को लेके हैं। हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई है वो करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि जो NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया गया था ना अभी, उसमें जो नई लिस्ट इंक्लूड किया गया, जो कुछ लोग रह गए हैं, तो जो पर्सन रह गए हैं वो इस बार वोट नहीं दे पाएंगे 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि डाउटफुल वोटर्स यानी कि जो डी वोटर्स हैं वो भी वोट है नहीं दे पाएंगे लोकसभा पोल्स में, या एक तरीके से जो भी फ्रेंचाइज हैं वो कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाएंगे। अब हमें पूछा है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। देखो, मैं आपको बता दूं कि इस बार NRC का मुद्दा काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था कि NRC को अपडेट किया जा रहा है, जो कि SM अकॉर्ड के तहत है वो बनाई गई थी 1985 के टाइम पे। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि जो नए लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग एक्चुअली 1971 के बाद आए हैं, तो उन लोगों को बाहर आसाम से बाहर वो निकाल दिया जाए। तो काफ़ी बड़ा इश्यूज रहा था, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं सबमिट कर पाए थे। तो उसकी वजह से क्या होता, सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की थी कि भाई जिन लोगों का नाम अभी तक फाइनली NRC का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो भी आप अभी एक तरीके से जिनका नाम रजिस्टर में इंक्लूड नहीं है, तो उनको आप वोट देने से नहीं रोक सकते। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होता है और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो डाउटफुल वोटर्स हैं वो एक्चुअली कोई भी एक्सरसाइज हो यहाँ पे नहीं कंडक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे वो है प्रोजेक्ट समर्थ के बारे में, कि प्रोजेक्ट समर्थ है वो किससे रिलेटेड है। वैसे तो किसी ने कह रहा है कि समटाइम प्रोजेक्ट समर्थ न्यूज़ में रहता है, तो आप बताइए किससे यह न्यूज़ है वो रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका जो एम है प्रोजेक्ट समर्थ का, वो है स्किल अप स्किलिंग और रीस्किलिंग। मतलब किसी को तो स्किल प्रोवाइड करना, किसी की स्किल है वो और ज़्यादा एक्सपेंड करना, बढ़ाना, और किसी के पास स्किल है वो सही ढंग से नहीं है तो उसको दोबारा से स्किल प्रोवाइड करना। लगभग 10 लाख पर्सनल जो कि रबर सेक्टर में इन्वॉल्व है उनको 2020 तक ये काम है वो कम्प्लीट किया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट समर्थ है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके अंतर्गत चलाया जाएगा, और हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। इस बार आपको बताऊँ कि जो रबड़ इंडस्ट्री है उसमें स्किल हो, अप स्किलिंग हो या फिर रीस्किलिंग को प्रमोट करने के लिए लगभग 10 लाख लोगों को इस तरीके की स्किल प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और यह प्रोवाइड करवाई जाएंगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। देखो, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है वो लोकेटेड है राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है यानाडी ट्राइबल कम्युनिटी को लेके। देखो, यानाडी ट्राइबल कम्युनिटी है वो कौन से एरिया से है या कमजी न्यूज में है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने गुजरात है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा सिक्किम है, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो देखो, जो यानाडी ट्राइबल है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग है वो करती है। UPSC हर साल एक दो ट्राइब के क्वेश्चन है वो पूछती रहती है, तो आप थोड़ा ट्राइब पे फोकस है वो ज़्यादा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और हमें एक करेक्ट जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई यहाँ पे करनी है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है यहाँ पे कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एटोल्स इन द वर्ल्ड। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्टल नेस्टिंग साइट इन द इंडियन ओशियन। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब देखो, तीनों ही स्टेटमेंट से मैं एक चीज़ पता चल रही है। पहले तो क्या कह रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, और दूसरा कह रहा है एटोल है, तो हमें एक पता होना चाहिए कि एटोल होना चाहिए और वन ऑफ द लार्जेस्ट होना चाहिए। सेकेंड ये कह रहा है कि टर्टल नेस्टिंग साइट है और इसी के साथ ही इंडियन ओशियन में है, तो मतलब हमें इंडियन ओशन में ऐसे आइलैंड को आइडेंटिफाई है वो यहाँ पे करना है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है और वो लार्जेस्ट एटोल भी है इंडियन ओशन में, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आपके सामने वैनकोर आइलैंड जो कि ब्रिटिश कोलंबिया है। सेकेंड है वो यहाँ पे दिया गया वेस्ट फॉल्कलैंड जो कि फॉल्कलैंड आइलैंड्स में है। थर्ड है वो यहाँ पे दिया गया है अल्डाब्रा एटोल जो कि सेशेल्स में है, और फोर्थ वो है मार्शल आइलैंड जो कि USA में बताया गया है यहाँ पे। अब देखो, मैं एक बार आपको बताऊँ मोटा मोटा, जैसे कि ये एक बार पूरे वर्ल्ड का मैप ही बनाते हैं। ये तो हो गया यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये हो गया अमेरिका, यहाँ पे यूरोप हो गया, ये यहाँ पे अफ्रीका हो गया, ये हमारा यहाँ पे इंडिया हो गया, और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इधर, और ये छोटे वे साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो होगी। अब आपको एक बार इनकी लोकेशन देता हूँ मोटी मोटी है कहाँ पे। मार्शल आइलैंड है वो पैसिफिक ओशन में इस वाले एरिया में, जो वहाँ पे फिजी आइलैंड वगैरह ना उधर है। इसके साथ ही हम बात करें यहाँ पे वेल्स, जो वेस्ट फॉकलैंड ये है एक्चुअली, जो ये साउथ अमेरिका के नीचे जो फॉकलैंड आइलैंड है वहाँ पे है,
और इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे वैनकोर आइलैंड ब्रिटिश कोलंबिया, ये है नॉर्थ अमेरिका के पास, इधर कनाडा की साइड यहाँ पे है। और हम बात करें यहाँ पे अल्डाब्रा एटोल सेचल्स की, तो आपको पता है सेचल्स है यहाँ पे और इसके पास ही यहाँ पे है एक सेल्सी अल्डाब्रा एटोल, तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, अल्डाब्रा एटोल हो जाएगा। तो देखो हमें लोकेशन बहुत ज़रूरी होती है, हमें लोकेशंस का पता होना चाहिए कि कौन सी आइलैंड की लोकेशन कहाँ पे। यूपीएससी की बार नॉर्थ टू साउथ अरेंज करवा लिए करवाती है, कि बार ईस्ट टू वेस्ट हो या वेस्ट टू ईस्ट वगैरह अरेंज है वो करवाती रहती है, तो हमें एक बार इनकी लोकेशन का अच्छे से पता है वो होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है वो है वर्ल्ड वाटर डे। देखो हर साल वर्ल्ड वाटर डे वो 22 मार्च को मनाया जाता है। पहली बात तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, देखो 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था रियो डे जेनेरियो जो कि ब्राजील में है वहाँ पे, उसके बाद ही वर्ल्ड वाटर डे वो मनाया जाता है 1993 से। तो पहला फैक्ट ये ध्यान में रखना है। इस बार की जो वर्ल्ड वाटर डे की थीम है वो है लिविंग नो वन बिहाइंड। अब आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 6 टारगेट, सॉरी जो मैन टोटल तो 17 टारगेट हैं, उनमें से जो छठा टारगेट है वो क्या सूटेबल करता है। छठा टारगेट ये कहता है कि भाई 2030 तक सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के तरीके से पानी है वो अवेलेबल होना चाहिए, और इसी को कहीं ना कहीं अचीव करने की दिशा में है प्रयासरत है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो वर्ल्ड वाटर डे है उसको यूएन वाटर है, यूएन के द्वारा भी सपोर्टेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग का मतलब ये होता है कि देखो किसान एक्चुअली, आपको पता है कि फसल पैदा करने के बाद जो फसल के अवशेष रह जाते हैं, जो ठूंठ से बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं, उनको क्या करते हैं, काटने के बाद जला देते हैं, और वही होती है स्टेबल बर्निंग। अब आपको पता है इंडिया में ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि जो दिल्ली के आसपास वाला एरिया होगा, दिल्ली एनसीआर के पास से हम बात करें, यहाँ पे हरियाणा हो चाहे पंजाब की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश हो राजस्थान की, इन स्टेट में क्या होता है, जो ही सर्दी आती है उससे पहले जैसे कि जो खरीफ की फसल पकाई जाती है, खरीफ की फसल पक जाती है, तो इसके बाद जो फसल के अवशेष बच जाते हैं खेतों में, उनको हटाने की बजाय उनको डायरेक्टली जला दिया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो इसके बहुत से रीजन्स हैं। एक तो किसानों के पास टाइम नहीं होता है कि भाई वो उनको उखाड़ उखाड़ के अलग करें, इसके साथ ही काफ़ी महंगा पड़ जाता है क्योंकि उनके पास लेबर वो भी बहुत महंगी पड़ती है, इन काफ़ी सारे रीजन है। इसकी वजह से किसान क्या करते हैं कि जो फसल के अवशेष बच चुके हैं, पेड़ी वगैरह की जो फसल के, उनको जला देते हैं ताकि जल्दी से खेत वो क्लीन हो जाएं और नई फसल वो बो सकें। तो इसका काफ़ी बड़ा मुद्दा रहता है कि भाई इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के एरिया में विंटर सीजन में जो काफ़ी स्मोक हो जाता है और वहाँ पर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है। तो अभी एक स्टडी की गई है, तो बस इसी को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज़ है वो आई है, वो ये स्विस और इंडियन रिसर्चर्स हैं, उन्होंने स्टडी की है कि भाई जो एजुकेटेड फार्मर हैं वो एक्चुअली इन्वायरमेंट क्राइसिस हो रहे हैं पंजाब वगैरह इस एरिया में, उस पर थोड़ा फोकस वगैरह कर रहे हैं वगैरह वगैरह की बात कुछ यहाँ पर आई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेबल बर्निंग है वो होती क्या है। अच्छे देखो जो स्टेबल बर्निंग होती है इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड है वो एमिट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एमिट होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो एमिट है वो होती है। तो कुछ ऐसी खतरनाक गैसें हैं जो एमिट होती हैं और वातावरण को पोल्यूटेड है वो करती हैं, इसके साथ कुछ पर्टिकुलेट मैटर गैसें भी एमिट है वो होती हैं। नेक्स्ट जो हाँ लोकेशन है, ये मैपिंग आप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गोलान हाइट्स को लेकर भी न्यूज़ में आई है। गोलान हाइट्स देखो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ये होगा सीरिया, और सीरिया की हम बात करें वेस्ट हिस्से में है गोलान हाइट्स। देखो पहले बात ऐसी थी कि 1967 तक ये पार्ट था किसका, सीरिया का, बट उसके बाद हुआ ये कि इसको इज़राइल ने हड़प लिया, क्योंकि 1967 में इज़राइल और सीरिया के बीच में वॉर हुआ था, तो वॉर के छठे दिन ही इज़राइल ने सीरिया का जो है गोलान हाइट्स वाला हिस्सा है इसको हड़प लिया। इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिस तरीके से इंडिया में सियाचिन की लोकेशन इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से। तो अभी ये रिसेंटली जो गोलान हाइट्स है वो इज़राइल की टेरिटरी है, इज़राइल के अंतर्गत है वो आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गोलान हाइट्स है कहाँ पे, यहाँ पे सी ऑफ गैलीले भी है, तो इसकी लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। नीचे जॉर्डन की लोकेशन है, इसके साथ ऊपर लेबनान है, और सीरिया को आप ध्यान रखना है मेडिटेरियन सी है वो टच है वो नहीं करता है, यहाँ पे होगा इज़राइल। तो इसकी लोकेशन हमारे लिए थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तुमने यहाँ पे कवर की। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो वैसे तो है ऑपरेशन सनराइज को लेकर, बट इससे पहले हम कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को डिस्कस वो करते हैं। देखो कालादान मल्टी मॉडल जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली इंडिया और म्यांमार के बीच में है, क्योंकि आपको पता है कि म्यांमार की इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है कालादान, और इंडिया के अंतर्गत काफ़ी सारे रिवर जैसे ब्रह्मपुत्र हुई, गंगा, इस तरीके से। अब आपको पता है कि अगर इंडिया से हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के बीच में कनेक्टिविटी करते हैं तो हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर उस चिकन नेक के थ्रू जाना पड़ता है, और आपको पता है अगर हमें जाना
हूँ मिजोरम, तो हमें काफ़ी घूम के जाना पड़ता है इस तरीके से, बहुत मतलब टर्न लगाना होता है और फिर हमें यहाँ पे आना होता है। इसीलिए इंडिया ने कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और म्यांमार के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, एक डायरेक्ट सी रूट तैयार किया। अब ये ध्यान रखना है इसमें अकेला सी रूट ही नहीं है, इसमें रोड भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें होगा क्या, वेस्ट बंगाल जो कोलकाता है वहाँ से लेके पहले तो सी रूट के थ्रू जो सितवे पोर्ट है, जो कि म्यांमार की जो रिवर है ना कालादान रिवर, इसके मतलब किनारे पे, इसके डेल्टा वाले एरिया पे बना हुआ है, इस सितवे पोर्ट तक तो होगी यहाँ पे कनेक्टिविटी सी रूट के थ्रू। इसके बाद में यहाँ पे रोड रूट है, इसके थ्रू हम मिजोरम तक पहुँच सकते हैं, तो काफ़ी कम टाइम में हम यहाँ पे मिजोरम पहुँच सकते हैं। तो एक तरीके से कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, तो ध्यान में रखना इंडिया और म्यांमार के बीच में। अब देखो बात ये थी कि जो इंडिया और म्यांमार के बीच में जो प्रोजेक्ट था, अब इसमें देखो यहाँ पे आप देख सकते हो रोड रूट वगैरह भी हैं, तो इस वाले एरिया में क्या कि कुछ इंसर्जेंट्स ग्रुप बोल सकते हो या फिर कुछ ऐसे आतंकी ग्रुप बोल सकते हो जो कि यहाँ पे मतलब काफ़ी इलीगल गतिविधियाँ कर रहे थे, तो उनका सफाया करने के लिए इंडिया और म्यांमार दोनों की आर्म फोर्स है, उन्होंने यहाँ के जो खतरे थे आपकी जो भी यहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप से उनको यहाँ पे खदेड़ दिया है। तो उसी ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सनराइज। तो ये आपको ध्यान में रखना ऑपरेशन सनराइज क्या है, किससे रिलेटेड है, ये हमने कुछ फैक्ट यहाँ पे कवर है वो की हैं। कालादान रिवर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कालादान रिवर पे ये प्रोजेक्ट है वो बना हुआ है और इसमें हाईवे भी बनाया गया है 129 किलोमीटर का। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि ओनली इसमें सी रूट है, नहीं भाई ओनली सी रूट नहीं है, इसमें और भी तरह के जैसे कि रोड रूट है, हाईवे भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नवरोज को लेके। देखो नवरोज है जो पारसी धर्म है उसके द्वारा उनका न्यू ईयर होता है जो कि हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है, जब वसंत ऋतु है जब स्टार्ट होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में मतलब एंट्री करना शुरू करता है उस दौरान जो पारसी कम्युनिटी है वो नवजोत जो उनका न्यू ईयर है वो मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है ईरान का जो कैलेंडर है उसी के बेसिस पे मनाया जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ईरान के कैलेंडर का जो पहला डे होता है उसी को नवरोज डे के तौर पे मनाया जाता है। यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई ईरान कैलेंडर वगैरह के बारे में, तो हमें इस फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है IWDRI यानी इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो बात यह है कि जो अभी एक वर्कशॉप है वो कंडक्ट की गई थी और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई वो इम्पोर्टेंट है। यह है ऑर्गेनाइज की गई थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि इंडिया की एक बॉडी है जो कि डिजास्टर वगैरह से डील है वो करती है। ये आपको ध्यान में रखना ही होगा कंटेक्स्ट। अब एक फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो ये इंटरनेशनल वर्कशॉप आयोजित की गई है ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है उसके कोलैबोरेशन से की गई है, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और इसी के साथ ही इंडिया की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, इन दोनों ने मिलकर इस वर्कशॉप को कंडक्ट किया है। इस वर्कशॉप का देखो मोटो सीधा सीधा यही है कि हम हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, जो हमारी एनर्जी है, वाटर वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम वो इस तरीके से डेवलप करें ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी एक तरीके से मतलब आपदा आती हो, डिजास्टर आ रहा हो, तो हमें नुकसान कम से कम हो और हम जल्दी से उसे रिकवर है वो कर सकें। सीधी सी बात में जो लेमन टर्म में आपको मैंने आपको बता दिया कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट है उसको अचीव करने के लिए कि हमें डेवलपमेंट ऐसा करना है ताकि डिजास्टर जैसी चीज़ें हों उनका कम से कम इफेक्ट पड़े, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कैसा भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो, चाहे एनर्जी की बात करो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, ये एक पार्लियामेंट का एक एक्ट है 2005 का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत इसका निर्माण है वो किया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है वो होते हैं प्रधानमंत्री, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वो आती है। तो देखो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, तो फिलहाल इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।